पीसीओएस हमारा क्या होता है? पीसीओएस हमारा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके अंदर हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, पीसीओएस होता क्या है, मेटेरियल एंड मेथड जो कि पीसीओएस को और डायग्नोसिस करने के लिए काम आते हैं, और हमारे रिजल्ट एंड डिस्कशन, एंड नंबर फोर्थ हमारा ट्रीटमेंट, हम कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। इंट्रोडक्शन, पीसीओएस हमारे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि इम्पैक्ट करता है वुमेन की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को। और ये हमारा किस वजह से कॉज होता है, इसका हमारा कॉज होने का हमारा मेनली कॉज का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज का अननोन है। तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर लाइक जैसे जेनेटिक फैक्टर, एक्सेस एंड्रोजन, एक्सेस इंसुलिन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड ओबेसिटी इज द कॉज रीजन ऑफ कॉज ऑफ पीसीओएस। उसकी वजह ये हमारे रीजन हमारे जो कॉज होने के पीसीओएस के जो हमारा एग्जैक्ट रीजन है वो हमारा अननोन है। लेकिन जो हमारा जो जैसे कि रीजन हमारे कॉज हो गए, फिर जो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो चेंजेस हुए हैं जो पीसीओएस के अंदर, वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा इनफर्टिलिटी शो करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज शो करते हैं, हार्ट डिजीज शो करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलेस्ट्रॉल अबनॉर्मलिटीज को शो करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारा सिम्टम्स क्या होते हैं हमारा, और जो क्योर्ड कैसे होता है ये हमारा। सिम्टम्स जो हमारे होते हैं पीसीओएस के, वो होता है हमारा इरेगुलर पीरियड्स आएंगे हमारे, एक्ने होगा, एक्ने निकलाएंगे, एक्सेस जैसे फीचर्स दे ही रहे हमारे एक्ने, एक्सेस बॉडी वेट, फेशियल हेयर होंगे, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, और हमारा जो स्केल हेयर लूज होगा सेंट्रल पार्ट ऑफ स्कैल्प, जैसे हमारे जो सेंट्रल पार्ट है वहां से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, और चैलेंजेस विद बॉडी इमेज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि हमारी जो बॉडी इमेज है, मतलब हम कभी मोटे हो जाएंगे, कभी पतले हो जाएंगे, कभी हमारा ज्यादा खाएंगे, कभी कम खाएंगे, और फर्टिलिटीज को रेड्यूस करता है ये। और ओलिगोमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, या तो इनफ्रीक्वेंट एकदम से ब्लीडिंग हो जाएगी, या एमिनोरिया, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वजह से ये हमारा डिस्टर्ब करता है किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, या तो कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, कभी नहीं होगी, कभी बहुत फास्ट होगी। तो हमारा इम्पैक्ट मेनली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है। और इसके अंदर हमारा जो ग्रेटर हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर है उनको भी इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारा हाइयर कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेगा। और जो हमारा फिर उसके बाद हमारा जो है, हमने बता दिया वेट वगैरह बढ़ाएगा, ये इन सब से होता है। तो हमारा मेनली इसको हम कंट्रोल करने के क्या तरीके होंगे, जो पीसीओएस हमारा मेनली उसको हम अपना वेट को कंट्रोल करेंगे, ओबेसिटी को रिड्यूस करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज, जो प्रॉपर हेल्दी फूड है वो लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, और वेट लूज करेंगे। ये हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है, जो हमारे ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं पीसीओएस को। और हमारा फिर हमारा एक इसके अलावा जो मेनली इम्पोर्टेंट मेथड होता है, वो हमारा आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस से भी हम इसको ट्रीट करेंगे। मेडिकेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो कैंसर प्रिजर्वेटिव मेडिसिन सब वो लेंगे, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल लेंगे, एंटी एंड्रोजन लेंगे, डायबिटीज मेडिसिंस लेंगे, और फर्टिलिटी मेडिसिंस को यूज करेंगे। सर्जरी से भी हम पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग भी होती है हमारी, जो ट्रीट करने के लिए काम होती है। और एक जो हमारा होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा ये रेड्यूस करता है एचडीएल एरिया को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल, और बीपी को इंक्रीज करता है ये, फास्टिंग ग्लूकोज की अमाउंट को वो करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज शो होती है हमारे अंदर। तो इसकी वजह ये हमारे बता दिए इसके क्या क्या इफेक्ट है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कोज कैसे करेंगे। और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मैंने बताया था, इसको भी इफेक्ट करेगा, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को इफेक्ट करेगा। तो इसके अंदर के हमारा क्या होता है, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ये करेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी क्या होती है, यहाँ पे कभी स्टॉप हो जाती है, कभी बहुत फास्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस लेके आएगा। और जो हमारी हेयर सिचुएशन, मतलब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक्सेस एयर बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ, और जो हमारे जो हेयर पार्ट्स हैं जो कि सेंट्रल के अंदर है हमारे हेड के अंदर, वहां से हमारे जो हेयर रिमूव स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉलिंग हो जाएगी, तो बेल्टलेस टाइप शो पैटर्न होगा।
और फिर हमारा इमोशनल वेलबींग, जो कि हमारे साथ साथ इमोशनल वेलबींग को भी शो करता है कि किसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन, क्योंकि इनफर्टिलिटी कॉज होती है और कभी कुछ एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमारे जो इमोशनल और फिजिकल दोनों को अफेक्ट करती है, जो हमारी जो PCOS डिजीज है इसकी वजह से। और इसको हमने ट्रीटमेंट के लिए हमारे होते हैं तरीके होते हैं, थिकर अप्रोचेस, ट्रीटमेंट ऑफ अनफर्टिलिटी, जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, हियरसुटिज्म, एसेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वुमेन विद PCOS, लाइफस्टाइल एंड PCOS, वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज एंड डाइट, क्योंकि वेट को मैनेजमेंट करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे प्रॉपर या डाइट लेंगे तो हमारा PCOS को रेड्यूस कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेंगे। और हमारा जो इसके ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर बता रखा है कि हम इसको मेडिकेशंस कैसे करते हैं, मेडिकेशंस जैसे एंटी एंड्रोजन्स मेडिसिंस लेंगे, डायबिटीज मेडिसिंस लेंगे, फर्टिलिटी मेडिसिंस लेंगे, कैंसर प्रिजर्वेटिव मेडिसिंस लेंगे, हॉर्मोनल बर्थ कंट्रोल मेडिसिन से हम इसको मेडिकेशंस के थ्रू भी वो कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और फिर हमारा होता है सेकंड जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऐसे भी हम इसको वेट लूज करके, एक्सरसाइज से, प्रॉपर हेल्दी डाइट से इसको वो करते हैं। और फिर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक रिस्क, ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म, इन सब से हम आपकी जो रेड्यूस कर सकते हैं PCOS को या ट्रीट कर सकते हैं PCOS को। फिर हमारा जो होता है वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और डाइट के लिए जो हमारा फोकस है प्रिवेंटिंग वेट गेन एंड मॉनिटर यूअर वेट, जो हमारा हम इस चीज के ऊपर फोकस रखेंगे कि हमारा जो वेट गेन हो हम उसको रेड्यूस करना है, उसको प्रॉपर हेल्दी डाइट से करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जो हेल्दी डाइट है वो लेने, फ्रूट ज्यादा लेने हैं और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को हम ज्यादा यूज करेंगे, और जो हमारा ब्रेकफास्ट है और जो हमारा लंच है वो एवरीडे करना है, लेकिन हमें उसमें ये ध्यान रखना फैट या कोलेस्ट्रोल वाली चीजों को अवॉइड करना है, हेल्दी फूड लेना है और हमारा जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना है। ये हमारे तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के।